आगे रो पड़े सनी देओल। क्यों सनी देओल ने कहा मैं इसके लायक हूं या फिर नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लामा। सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। ये फिल्म जब से रिलीज हुई है इसने शानदार कमाई कर सभी को चौंका दिया है। गदर 2 की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद भी सनी देओल इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी फिल्म को दर्शकों से जमकर प्यार मिल रहा है। 11 अगस्त को रिलीज हुई गदर 2 ने 3 हफ्तों में ही 50 करोड़ की कमाई कर डाली है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में एक इवेंट के दौरान सनी देओल फूट फूट कर रो पड़े। दरअसल दर्शकों का प्यार देखकर सनी देओल इमोशनल हो गए और खुद पर काबू नहीं कर पाए। दरअसल हाल ही में सनी देओल आपकी अदालत नाम के एक शो में मेहमान बनकर पहुंचे थे। इस दौरान सनी देओल दर्शकों की भारी भीड़ और उनका प्यार देखकर सभी के सामने रो गए। जब वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने सनी देओल से पूछा कि वो भावुक क्यों हो गए, तो इस पर सनी की आंखों में दोबारा आंसू आ गए और सबके सामने ही वो रो पड़े। जिसके बाद सनी देओल ने कहा कि जिस तरह ये लोग खुश हो रहे हैं जो मैंने किया है, तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं। आपको बता दें कि गदर 2 की सफलता से सनी देओल काफी ज्यादा खुश हैं। कई सालों के बाद उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी हिट फिल्म दी है। बीते कई दिनों से वो गदर 2 की सक्सेस पार्टी होस्ट कर रहे हैं। हाल ही में गदर 2 की सक्सेस पार्टी में सलमान से लेकर शाहरुख और आमिर से लेकर तमाम बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स शिरकत करने पहुंचे थे। फिल्म को जो रिस्पॉन्स मिला है उससे पूरा बॉलीवुड खुश है। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को 100 करोड़ के बजट से बनाया गया है, जबकि फिल्म ने 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर मेकर्स की जेब में प्रॉफिट डाल दिया है। सनी देओल के गदर 2 ने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। सनी देओल ने खान्स की कई फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी मात दे दी है। फिल्म में सनी देओल के साथ साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा भी अहम रोल में दिखाई दिए हैं। 22 साल पहले रिलीज हुई गदर को काफी पसंद किया था और अब वही कारनामा गदर 2 ने भी कर दिखाया है। बताते चले कि गदर 2 के बाद अब सनी देओल बॉर्डर 2 को लेकर आने वाले हैं। इसी तरह की खबरें जोरों पर हैं। वैसे सनी देओल से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।